अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। कर्नाटक के शहर गुलबर्गा में पीर बंगाली ग्राउंड में जन आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के कई जगह से लोग शिरकत करेंगे और इस आंदोलन में पुलिस का बंदोबस्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। और ये आंदोलन 21 जनवरी बरोजे मंगल 3 बजे से 10 बजे तक रहेगा। मुजम्मिल अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज हैदराबाद। रोज नफ़रतों की हवाएं चल रही है भारत में, वो मोहब्बत वो भाईचारे के सुहाने दिन हमें लौटा दो। ये अच्छे दिन जान ले लेंगे गरीबों की, अगर ये अच्छे दिन है तो हमें वही पुराने दिन लौटा दो। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत, ये रंगा और बिल्ला की हुकूमत जो है हिंदुस्तान में, जो मुसलमानों के ऊपर, जो हिंदुओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, यहाँ के सेकुलर समाज के लोगों के ऊपर, जो एक काला कानून NRC के रूप में और CAA के रूप में और NPR के रूप में जो लोगों के ऊपर नाफिस कर रही है, जो थोप रही है, ऐसे काले कानून को हम जूते की नोक पर रखते हैं और जूते की नोक पर मारते हैं। हम ऐसे काले कानून को नहीं मानते। 21 तारीख के दिन यानी कल शहर गुलबर्गा में पीर बंगाली ग्राउंड में एक अजीम शान जलसा कन्वेंशन जन आंदोलन रखा गया है। मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट के आवाम को, तमाम HKE रीजन के आवाम को मैं ये गुजारिश करता हूँ दिल की अमीर गहराइयों से, इस जलसे में आकर जो है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ, इस दहशतगर्द हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का सबूत दे, अपने गुस्से का इजहार करे और इस कन्वेंशन को, इस जलसे को कामयाब करे। मैं तमाम कर्नाटका के आवाम का जो इस जलसे में आ रही है और पीपल फोरम के जिम्मेदारों का जिसने जलसा मुनक़िद किया गया है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे में तशरीफ लाकर, इस आंदोलन में तशरीफ लाकर इसको कामयाब करें।